गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई आज आप अपने सामने देख रहे हो, तो ये भाई अपनी वैगनर है 2020 वाली, और ये भाई मेरी वैगनर है ये अपनी। तो भाई इसमें बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई अपने मोड्स वगैरह कराओ, वो शेयर करो कि भाई आप क्या कुछ आपने लगाया है अब तक, क्या कुछ इंस्टॉल कर दिया। तो भाई आज मैं अपने पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, मतलब अपनी पे मैंने जो चीज़ें इंस्टॉल कराई है वो चीज़ें बता रहा हूँ। तो अभी जो मैंने भाई इसमें, आप लोग बहुत कह रहे थे कि भाई जो आपकी पूरी इकट्ठी जो एक्सेसरीज हैं वो दिखाओ कि आपने क्या क्या लगाई, बाकी कितनी कॉस्टिंग पड़ी। तो भाई मैं अब भी बताऊँ तो भाई मैंने इसमें कम से कम लगभग सारी एक्सेसरीज लगा दी, पर थोड़ी बहुत भाई फिर भी रह चुकी है, ठीक है, सारी एक्सेसरीज लगवाई नहीं है। तो भाई अभी मैं धीरे धीरे करके लगवा रहा हूँ। तो भाई जो अब एक्सेसरी लगवाई ना, तो वो मैं आपको मेन चीज बता दे रहा हूँ कि अगर भाई आप अपनी गाड़ी लेते हो, चाहे VXI आज की डेट में भाई ले लो, चाहे LXI ले लो, पर भाई उसमें जो बढ़िया फॉग लैंप होते हैं वो नहीं आते। तो भाई ये अपनी मारुति की वैगनर है पेट्रोल वाली, जो कि है भाई इसमें आप देखोगे ना तो VXI वेरियंट है, तो इसमें भाई फॉग लैंप नहीं आते। बहुत लोगों की भाई मैंने देखी कि अपना एक्सेसरीज लेने भी जाते ना तो उधर कन्फ्यूजन रहती है कि भाई कौन से फॉग लैंप आपके लगाए जाए, कौन से लगाए जाए। तो भाई मैं आपको आज सबसे बढ़िया बता दे रहा हूँ, वैसे तो भाई चूज करना आपके ऊपर है। तो भाई मेन बताता हूँ, एक आपके भाई रिंग वाले आते हैं जो कि भाई साइड में रिंग जलती है, तो भाई उसके बीच में छोटा सा प्रोजेक्टर होता है, और एक ल्यूमक्स वाले आते हैं जो कि भाई ओरिजिनल कंपनी देती है। मैंने भाई आप देख रहे होगे यहाँ पर फॉग लैंप लगाए हैं, पर भाई इतने विजुअल नहीं होंगे। यहाँ से मैं आपको चीज़ चेकआउट कराऊँ तो भाई ये अपने फॉग लैंप लगे हैं जो कि भाई अपने आपको IPH प्रोजेक्टर लग रहे होंगे, तो भाई ये अपने प्रोजेक्टर ही हैं विथ LED, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि भाई अगर आपको किसी को लगवाना है तो क्या कुछ इसकी कॉस्टिंग पड़ जाती है, कैसे कुछ ही अपने फॉग लैंप है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, तो भाई इसमें अपना पूरा हेलोजन सेटअप आता है। तो भाई मैंने इसमें पार्किंग का बल्ब चेंज करा दिया, ठीक है, बाकी हेडलाइट अपना जो हेडलाइट का बल्ब है वो अपना जो नॉर्मल वाला आता है वही है, बाकी नीचे आप देखोगे ना तो फॉग लैंप प्रोजेक्टर वाले जला दिए, ठीक है। तो भाई वैसे ना मैंने अभी इस पे, मतलब मेरे पास बजट थोड़ा कम था, तो मैंने उसको भाई अपना उससे नहीं कराया, रिले से कनेक्शन नहीं कराई, पार्किंग से नॉर्मल कनेक्शन कराई है। तो जो कि भाई मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि कैसे कुछ है, और थ्रो वगैरह भाई आप रात के ही देख लेना, ठीक है, बाकी प्रोजेक्टर हैं तो आप लोगों को थ्रो वगैरह पता होगा। अब भाई मार्केट में आप जाओगे ना तो आपको बहुत सारी वो मिल जाएगी, बाकी मैं यहाँ से आपको चेकआउट कराता हूँ चीज़, ठीक है। तो भाई ये अपने आप देख रहे हो, तो ये अपने भाई जो पार्किंग वाला बल्ब होता है वो है, बाकी नीचे आप देख रहे हो तो ये अपनी भाई LED है, बाकी आप यहाँ से रिस्पॉन्स चेकआउट कर सकते हो कैसी कुछ है, ठीक है। बाकी रात का रिस्पॉन्स मैं वीडियो में आगे डाल दूंगा, वो चीज़ आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि कैसा कुछ रिस्पॉन्स है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ भाई, अगर आप मार्केट में IPH लेने निकलते हो, ठीक है, या लगवाते हो, तो भाई कम से कम आपको प्रॉपर जो IPH का वो आता है, ठीक है, प्रोजेक्टर, वो भाई कम से कम 2000-2500 ऐसे कॉस्टिंग करता है, अलग अलग कंपनी का वेरी करता है निकलते ना, तो भाई 2000 से ऊपर कॉस्टिंग करते ही है सिर्फ प्रोजेक्टर की, बाकी आप जो LED HID लगा रहे हो तो उसका अलग होता है, ठीक है। मेन मैं बताता हूँ भाई, अगर आप इसका रिले के साथ कनेक्शन करा लेते हो, इन फ्यूचर भाई मैं भी कराऊंगा, अभी मेरा बजट नहीं था तो मैंने अभी पार्किंग से करा दिए, पर भाई जो इसके अपने कनेक्शन है ना तो उसके साथ फिर आप हाई बीम लो बीम भी कर सकते हो, बाकी भाई हेडलाइट जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना कुछ अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। अब भाई मैं मेन बताता हूँ, अगर भाई आप लोगों में से किसी को भी अपना आना है प्रोजेक्टर लगवाना है तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ 3500 से 4000 के बीच में कॉस्टिंग करेंगे, और भाई मैं आपको बताऊँ कि मतलब 3500 से 4000 विथ LED फिटिंग वगैरह सब कुछ, ठीक है, वो भाई आपके ऊपर प्राइस वेरी करता रहता है, कभी भाई 3500 भी हो जाता है, कभी 3600 भी होता है, कभी 4000 भी हो सकता है, तो भाई आप पे डिपेंड है। मेन मैं आपको बताता हूँ भाई, इसमें LED जो होती है वो फिट वाली आती है, और प्रॉपर भाई ये मारुति का जेन्युइन जो प्रोजेक्टर आता है ना ये वो है अपना, ठीक है। बाकी ये अब आप बोलोगे कि इतना सस्ता कैसे है प्रॉपर, तो भाई जो अपनी हेडलाइट्स की जो प्रोजेक्टर आता है ना बलेनो वगैरह में, ये उसके प्रोजेक्टर हैं, ठीक है, वो अपना ये लगा रखा है भाई, ओरिजिनल मारुति का, इसमें बारकोड वगैरह भी आता है, पर भाई आपको वारंटी वगैरह नहीं मिलेगी इसमें, ठीक है। तो भाई वो आप नॉर्मल 1200 के चाइनीज़ वाले भी डालते हो तो उसमें भी आपको वारंटी नहीं मिलती है, चाहे ल्यूमक्स वाले में डालोगे तो वो कंपनी देती है, बाहर वाले आफ्टर मार्केट कोई नहीं देते। तो भाई ये अपना नॉर्मल प्रोजेक्टर है, कंपनी का है, तो भाई वैसे ही खराब होने वाले की दिक्कत कोई नहीं है, ठीक है। बाकी भाई आपके 3500-4000 तक में लग जाते हैं ये प्रॉपर, और भाई फिटिंग आप देखोगे पूरी अपनी इसके अंदर ही फिटिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से बाहर वगैरह चाहे हो जाए ज़्यादा। अब भाई मेन बोलोगे इसकी कटिंग वगैरह, तो भाई इसकी अपना अंदर से ही क्लैंप सिस्टम पे लगाई है प्रॉपर, तो भाई यहाँ पे देखोगे ना तो अपना इसका क्लैंप ऐसे करके लगता है ये प्रॉपर। तो अब बहुत लोग बोलेंगे भाई ये अंदर है तो भाई ज़्यादा बाहर हो जाता ना तो ये चीज़ ना गलने लग जाती है प्रॉपर, अगर ज़्यादा तेरा आप जला दो, तो भाई इसको थोड़ा अंदर ही रखा गया। बाकी ये भाई कंपनी का कटा वाला फ्रेम है, अगर भाई आपको किसी को कटा वाला फ्रेम नहीं है, आपकी जो गाड़ी का फ्रेम है वो आप कटवाना चाहते हो, ये भाई इतना गैप भी नहीं आएगा। बाकी दूर से मैं आपको चेकआउट करा दूं तो इतनी कुछ दिक्कत नहीं है, बाकी एक बार
आपको जलवा के भी दिखाता हूँ कैसा कुछ रिस्पॉन्स है, बाकी रात में आपको अच्छे से पता चलेगा कि कैसा कुछ इसका रिस्पॉन्स है। बाकी भाई अलॉयज की वीडियो आप चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। तो भाई ये अपने कुछ प्रोजेक्टर हैं, ठीक है, यहाँ पर दोनों साइड लगे अपना, और भाई पार्किंग के बल्ब के साथ अभी मैंने कनेक्शन कराया, ज़्यादा कुछ नहीं। भाई मेन LED दिखा दूँ ना इसमें, तो भाई यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। प्रॉपर भाई 4 LED हैं दोनों में अपना, और भाई दोनों अपनी इंस्टॉल कर दिए, जो कि भाई अपना आप बोलोगे ना तो प्रॉपर प्राइसिंग भी कम है और बढ़िया चीज़ भी है। तो भाई ये चीज़ आपको मिल जाएगी अपना जूड़ी कार एसेसरीज़ पे, नीचे मैं भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके आपको कहाँ से लगवाने हैं कहाँ से नहीं, तो वो भाई आप आगे वीडियो में देख लो कि कितना कुछ में लग जाएंगे, बाकी क्या कुछ इसकी अपनी प्राइसिंग वगैरह है, ठीक है, वो भाई आपको आगे पता चल जाएगी, जो कि भाई अपना जूड़ी भाई बता देंगे। मैंने आपको भाई दिखाना था ये मेन, तो ये चीज़ मैंने आपको चेकआउट करा दी। भाई अगर किसी को लगवाना है तो भाई बिल्कुल जा सकता है। भाई मैंने खुद अपनी पर्सनली गाड़ी में लगाया है, और भाई आज से पहले हमने किसी गाड़ी में, मतलब 2-3 गाड़ियों में लगा दिया था, पर मैंने उसकी आज तक वीडियो नहीं थी। मैंने सोचा था कि भाई अपनी गाड़ी पे ही बना के एकदम वीडियो दिखाऊंगा, तो वही भाई अपनी गाड़ी पे मैंने सीधा बना के, मतलब लगवा के आपको वीडियो दिखाई है, ठीक है। बाकी भाई गाड़ी का लुक कैसा आ रहा है तो वो भी भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। बाकी मैं पीछे से भी आपको चेकआउट कराता हूँ। बाकी भाई इसकी पूरी एसेसरीज की वीडियो ना विथ प्राइसिंग प्रॉपर, वो भाई थोड़ी अलग आएगी, ठीक है, वो मतलब एक बार हो जाए लगभग काम, जैसे कि मतलब आपका एक मान लो कि 2-3 हफ्ते में हो जाएगा इसका पूरा काम, तो वो भाई मैं तब बना दूंगा, ठीक है। मेन आपको भाई ये दिखाना था, बाकी भाई इसकी अपनी जो आप बोलोगे नाइट का रिस्पॉन्स, तो वो भाई आप आगे वीडियो में देख लो कि कैसा कुछ इसका नाइट का रिस्पॉन्स। बाकी भाई आपको अब मैं नाइट का रिस्पॉन्स दिखाता हूँ, बाकी भाई मैं वीडियो नहीं आपको पूरी बना के दिखा रहा, नॉर्मल आपको फोटो दिखा दे रहा हूँ। तो भाई इसमें आप देख सकते हो प्रॉपर सिर्फ अपने प्रोजेक्टर जल रहे हैं, जो कि नीचे फॉग लैंप है, और भाई बाहर से आपको लुक चेकआउट कराऊँ तो यहाँ पर देखोगे आप भाई पूरे प्रॉपर लेजर के, और भाई पूरा उजाला कर देते हैं। बाकी ऊपर देखोगे हेडलाइट में तो सिर्फ पार्किंग का बल्ब जल रहा है, तो भाई हेडलाइट भी जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, और बाकी ये कुछ रिस्पॉन्स है। आपने फॉग लैम्प की अपनी वीडियो देखी, बाकी भाई आपको अगर लगवाने हैं तो अशोक ही भाई बता देंगे कि कहाँ से कैसे क्या लग जाएंगे, बाकी वायरिंग वगैरह का क्या इशू होता है, रिले वगैरह लगानी है आपको तो वो भी प्राइसिंग वगैरह प्रॉपर बता देंगे, ठीक है। बाकी भाई आप दुकान पे आओगे तो आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा, बाकी भाई प्राइस वेरी करते रहते हैं, उसके हिसाब से सारी प्राइसिंग होगी। तो आप बताओ कहाँ से, मतलब कितनी क्या कुछ, जो भी गाड़ियाँ हैं जिसमें गोल कटिंग आती है फोग लैंप में, हाँ हाँ उसमें सब में लग जाएगा। अच्छा, सब में लग जाएगा। अब ये बताओ उसमें LED वगैरह डालने की जरूरत पड़ती है? कुछ नहीं पड़ेगी आपको, प्रॉपर कंप्लीट मिलेगी LED वगैरह लग लगा के। अच्छा, उसमें लगी होती है। और प्राइसिंग वगैरह क्या कुछ पड़ जाएगी ये बताओ? 2800-3000 में हम फिटमेंट करके देंगे। अच्छा, फिटमेंट करके। हाँ। तो ये अपना पार्किंग के साथ करोगे कि रिले के साथ? आप जैसे बोलोगे बटन के साथ तो बटन के साथ। और अगर किसी को रिले वगैरह के साथ लगानी है तो उसके साथ प्राइसिंग बढ़ जाएगी? 200-300 रुपए बढ़ते हैं। अच्छा, वो 200-300 रुपए बढ़ते हैं। तो भाई वो आप प्रॉपर आओगे तो अपना यहाँ पर मिल जाएगा। तो कहाँ पर आना पड़ेगा? नारपुर कार मार्केट, जूड़ी कार, जूड़ी कार एसेसरीज। भाई पूरी मार्केट में आप देख लोगे यहीं पर अपना मिलेगा, ठीक है। तो वो कौन से अपने वो होते हैं प्रोजेक्टर वगैरह ये भी बता दो थोड़ा। कंपनी के जो गाड़ी में लगे हुए ना हेडलाइट, हाँ वो प्रोजेक्टर होते हैं। अच्छा, वो वाले प्रोजेक्टर होते हैं, वो आप उनसे लेते हो? मारुति के, लोकल कुछ नहीं होगा। हाँ, तो भाई बाकी मैंने आपको थोड़ा वो भी दिखा दी बीम वगैरह, तो भाई बिल्कुल आप आ सकते हो जूड़ी कार एसेसरीज पे ले सकते हो। नंबर डिस्क्रिप्शन में कॉल करके भाई प्रॉपर पता कर सकते हो। अब ये बताओ जैसे जो नॉर्मल फॉग लैंप होते हैं वो कितने तक के आ जाते हैं? नॉर्मल तो भाई 800 रुपए स्टार्टिंग है, 700-800। अच्छा, तो 2000 तक जाते हैं? 2000। तो भाई थोड़े पैसे खर्च करो, बढ़िया चीज लगाओ, बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा। जो IPS लगाते हैं वो हेडलाइट से भी तेज होते हैं। हाँ वही बात है, तो वही भाई मैंने इसलिए भी अपनी गाड़ी में लगा के दिखाया। तो आप भाई बिल्कुल लगवा सकते हो, आ सकते हो अपना जूड़ी कार एसेसरीज पे और पूरा काम करा सकते हो। बाकी भाई इधर देखोगे अपना इस वैगनर में भी वही लग रहे हैं, तो प्रॉपर पूरी फिटिंग हो रही है इस गाड़ी में भी।